राधे राधे, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ मम्मी जो है नहा धो चुकी हैं, तो इनको मैं जो है रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी आज जो है कहीं जाने वाली हैं और साथ में पापा भी। तो जल्दी जल्दी मम्मी का जो है मेकअप कर रही हैं जो भी है। तो सबसे पहले आलता लगा लेती हूँ, बाल में कंघी उंगी हो चुका है। और इधर देख सकते हैं पापा भी रेडी हो गए, साथ में बाबू भी, क्योंकि घर पे रहता है तो वह रोने लगता है। तो मम्मी बोली चलो इसे भी रेडी कर दो। तो यहाँ पे ये सारे लोग रेडी हो गए और सुबह ही दोस्तों निकलना है, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी कर रही थी। और साथ में जो है दीदी भी जाने वाली हैं, तो दीदी का वेट कर रहे हैं। बाबू जो है बुला रहे हैं कि बुआ जल्दी आओ, बाबा आगे चले गए। तो यहाँ पे ये लोग जो है तैयार होकर चल देते हैं, और कहाँ जाएंगे आगे वीडियो में आप लोग को दिखेगा। तो दोस्तों, वह लोग चले जाते हैं और उसके बाद मैं भी नहा धो लेती हूँ। नहा धोकर आ जाती हूँ सीधे खाना बनाने के लिए। तो इधर जो है चूल्हे में आग जला दी, एक साइड रख दी हूँ चाय और दूसरी साइड चावल। तो चावल जो है पतीली में डाल देती हूँ और उसे अच्छी तरह से चला देती हूँ। और अमृता प्रीति भी जो है नहा रही है, सुबह का जो भी काम था हमारा हो चुका है। तो आज दोस्तों दीदी, अमृता प्रीति तीनों लोग व्रत हैं, तो इसलिए पहले चाय बनाई हूँ कि वह लोग जो है पी लेंगी। तो उधर हमारा चाय बन रहा है और इधर छोटे वाले गैस चूल्हे पे आ जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज भोजन में बनेगा सब्जी चावल पूड़ी। तो सबसे पहले जो है कुकर में तेल डाली हूँ और उसके बाद जो है परवल को तल लेती हूँ और एक साइड जो है फटाफट आटा भी गूंथ लेती हूँ। ताकि हमारा भोजन जो है समय से बन जाए। और दोस्तों, इस बार तो राखी दोपहर में बना जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम से ही मैं बना रही हूँ। तो हमारा जो है परवल भुना गया था, उसके बाद जो है मेथी का तड़का देती हूँ और प्याज को जो है ऐड कर देती हूँ और इसे तब तक भुनूंगी जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है प्याज भी भुना गया था। आलू ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से चला देती हूँ और फिर जो है ढक देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, कुकर में सब्जी बन रही, दूसरी साइड जो है चूल्हे पर रख दी हूँ कढ़ाई। चाय हमारा बन गया था, तो इधर आ जाती हूँ फटाफट पूड़ियाँ तलने लिए। और इस बार दोस्तों किचन का जो भी काम है सारा मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का जो भी काम था अमृता प्रीति मिलकर कर रही हैं। और उसके बाद जो है बारी बारी से वह सब नहाएंगे धोएंगे और उन सबको भी जो है कहीं जाना है, इसलिए वह सब भी अपना जल्दी जल्दी कर रही हैं ताकि हम जो है समय से वहाँ पर चले जाएँ। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है सावन का लास्ट सोमवार, एक भी सोमवार पर वह सब कहीं नहीं गई हैं। तो इस बार मम्मी से सब बोली, तो मम्मी बोली ठीक है, जहाँ पर तुम लोग को अच्छा लगेगा वहाँ पर चले जाना पास में। तो बस दोस्तों उसी की तैयारी कर रहे हैं और बीच बीच में जो है मैं उन सबको बुला ले रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे लिए जो है वीडियो बनाना भी जरूरी है, इसलिए बार बार उन सबको बुला रही हूँ। वो सब कह रहे हैं कि हमें लेट हो रहा है, तो बस दोस्तों जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि जो है मेरा भी काम हो जाए, उन सबका भी काम हो जाए। और बीच में मैं सब्जी देखने के लिए गई थी, तो हमारी सब्जी बन जाती, बस थोड़ा बहुत और पूड़ियाँ मुझे छानना है, तो उसे भी जल्दी जल्दी छान देती हूँ और एक साइड रख दी हूँ चाय गर्म होने के लिए, क्योंकि अमृता जो है नहा चुकी है। प्रीति पहले ही नहा धोकर रेडी हो गई, तो वह बोली मेरे लिए चाय छान दो, तो बस उसके लिए छान दी हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सब लगभग रेडी हो गई। फिर दोस्तों हमारा भी भोजन बन जाता है, तो मैं भी बाहर आ जाती हूँ। फिर मैं इन सबसे पूछ रही हूँ तुम लोग कहीं जा रही हो क्या, ये सब बोल रही हैं तुम्हें नहीं पता है क्या, क्योंकि दोस्तों ये सब जो है लेट फिर लेट कर रही थी। इस टाइम जो है 10 बज गए हैं, तो मैं बोली अब तो तुम लोग को नहीं जाना है, तो सब कह रही नहीं हम जाएँगे। तो उसी बात पर जो है सब हंसने भी लगती हैं और मैं भी जो है हंसने लगती हूँ। तो 1-1 घंटा बाद ये सब जो है दर्शन करके आ जाती है भोले पापा का, और उसके बाद मैं इन सबको मार्केट भेजती थी रक्षा लाने के लिए। तो रक्षा सब लेकर आ जाती है, वही सब दोस्तों हम लोग देखने लगते हैं। और यहाँ पे ना जाने कैसा कैसा रक्षा लेकर आई हम। अमृता जो हंस रहे हैं कि तुम्हें बस यही सब मिला है, तो कह रही थी तुम जाओ लेकर आओ, हमें नहीं पता है कैसा लाना है। उसके बाद दोस्तों ये 1 बजे का क्लिप है, तो मम्मी भी जो है दर्शन करके आ चुकी थी जहाँ पे गई थी मम्मी पापा दीदी बाबू। तो यहाँ से जो है बहुत सारे सामान लेकर आए, और उसके बाद जो पापा को बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो उनके लिए जो है खाना निकाल दिया और साथ में मम्मी के लिए। तो आज का यही भोजन है, कैसा बनाए कमेंट करके जरूर बताएगा। और यहाँ पे जो है पापा भोजन कर ही रहे थे, तब तक बुआ भी आ जाती है अपने घर से, तो फिर पापा भोजन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बुआ पापा को रक्षा बांध देती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों रक्षाबंधन की शुरुआत हो चुकी है, यानी 2 बजे से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे बुआ सबसे पहले पापा को बांधी और उसके बाद चलिए अब हम लोग भी जो है रक्षाबंधन की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लेट रेडी हो गया है, यानी सज गया है राखी और मिठाई से। तो अमृता हम जो है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बाबू को राखी बांधेंगे, क्योंकि हमारा बाबू जो है सबसे पहले नहाया था, कह रहा बुआ हमें बांधो। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से ये बनवा रहा है। पिछली बार दोस्तों ये जो है छोटा था साल भर का, तो उतना अच्छा नहीं बनवा रहा था, बार बार हाथों पे से जो है निकाल दे रहा था, लेकिन इस बार जो है बहुत ही खुशी खुशी से बनवा रहा है और साथ में जो है फोटो भी खिंचवा रहा है। हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और ये जो है सबको मिठाई भी खिला रहा है, अपने खा रहा है। तो मैं बांध देती हूँ और उसके बाद दीदी आ जाती है बांधने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं बाबा को जो है हमारे राखी बनाया गया और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे जुड़वा 2 भाई यानी चाचा के लड़के हैं। तो इन दोनों को जो है दीदी बांध रही है। बाबू कह रहा है बुआ मुझे और बांधो, ढेर सारा मैं बांधूंगा, क्योंकि जो है चाचा इसके बहुत ज़्यादा बांधे हुए थे। तो दीदी कह रही थी रुको अभी तुम्हें जो है अमृता भी बांधेगी। तो बस दोस्तों बाबू वही वेट कर रहा है और यहाँ पे ये सब जो है बनवा लेते हैं, दीदी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद मैं आ जाती हूँ इन सबको बांधने के लिए। तो बस ऐसे ही सबको जो है सारे लोग राखी बांधेंगे और इस बार दोस्तों जो है भैया लोग घर पे नहीं हैं, बस बड़े वाले भैया ही घर पे हैं, तो उनको ही हम लोग बांधेंगे और कोई भैया नहीं है, क्योंकि वह लोग बाहर रहते हैं। अगर वह लोग भी यहाँ पे रहते हैं तो उन लोग को भी जो है हम लोग बांधते। तो घर पर जो लोग भी हैं तो उनको ही हम बहनें जो है बांध रहे। तो यहाँ पर अमृता जो है बाबू के लिए चली गई थी एक अच्छा सा राखी लेने के लिए, क्योंकि बाबू को सारा राखी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी का लेकर आई है और बाबू जो है देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, कह रहा है बुआ मुझे बांधो, यही मुझे चाहिए। और गुड्डा वाला खोज रही थी तो दोस्तों उसे अमृता को नहीं मिला था, तो यही मिला, लेकिन बाबू को वह भी जो है बहुत ही प्यारा लगा था। और देख सकते हैं मिठाई खा खा कर जो है बाबू का पेट भर जाता है, कह रहा है अब हम नहीं खाएंगे, सुबह से ही लगातार लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो है सबके हाथों से खा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर बड़े वाले भैया भी जो है नहा धोकर आ जाते हैं, तो इनको भी जो है राखी बांधना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अमृता बांध लेती है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ। और दोस्तों वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।